हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज की हमारी रेसिपी है रवा ब्रेड। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, इसके इंग्रेडिएंट तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप बारीक वाला रवा, 1 TSP सॉल्ट, 1 TSP ईस्ट, 2 TBSP शुगर, 2 TBSP मिल्क पाउडर, 1/2 कप वार्म मिल्क, 1 कप वार्म वाटर। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे लुक वार्म मिल्क, सॉल्ट, ईस्ट, शुगर, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड रवा, मिल्क पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड 1 कप लुक वार्म वाटर, इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करके 15-20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि रवा पानी जो है अब्सॉर्ब कर ले। आफ्टर 15-20 मिनट्स के बाद हम इसका नीडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसका जो डो होता है थोड़ा सा चिपा होता है, इसलिए हम इसके डो में बीच बीच में ऑयल ऐड करते हुए हम इसका नीडिंग करेंगे। इसे हम अपने किचन प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से हम इसको नीड करेंगे। 15-20 मिनट्स नीड करने के बाद डो प्रिपेयर हो जाता है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। अगर हमारा डो ज़्यादा चिपचिपा लगेगा तो हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे, उसको नीड करेंगे। एक्स्ट्रा फ्लावर ऐड नहीं करना है, जैसे नीड करना है। आफ्टर 20 मिनट्स नीडिंग के बाद जो हमारा डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम अपने डो को चेक करेंगे कि अच्छे से नीड हुआ है या नहीं। इसके लिए मैंने एक छोटा पोर्शन लिया, उसको स्ट्रेच किया है। अगर हमारा डो स्ट्रेच हो रहा है इट मीन्स ये रेडी है। अगर स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ब्रेक हो रहा है बीच से, तो हमें इसको दोबारा नीड करना है। हमारा डो रेडी है। अब मैं इसको एक ग्रीस किए हुए बाउल में कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए उसको के लिए छोड़ना है। आप 1 से 1.5 घंटे के बाद देखेंगे हमारा डो जो है वो डबल हो जाता है। उसके बाद हम उसको अपने किचन स्लैब या प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी हमको नीड करना है वहाँ रखेंगे। थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और उसको और हैंड की हेल्प से ही उसको एक लोफ का शेप देंगे, और उसको अपने ग्रीस किए हुए ब्रेड टिन में उस लोफ को हम डालेंगे और उसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट्स के बाद जो हमारा लोफ होता है वो डबल हो जाएगा। उसको मिल्क वॉश करेंगे, फिर उसको 200 डिग्री पे सेंटर रैक पे उसको बेक करेंगे। आफ्टर 35 मिनट्स के बाद हमारा जो ब्रेड है वो रेडी है। उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।